हूँ इडली सांभर बनाने की रेसिपी। तो मैं पहले सांभर बना लेते हैं। तो सांभर बनाने के लिए मैंने एक कुकर लिया है और मैंने दाल को धुल के अच्छे से साफ कर लिया है। दाल मैंने इस कटोरी से लिया है, तो इसमें मैं दाल डाल कुकर में दाल डाल देती हूँ। मैं डालूंगी इसमें पानी। पानी इसमें मैं 3 गिलास डालूंगी। और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आधी चम्मच हल्दी। ढक्कन लगा के दो। पकने के लिए गैस को चढ़ा देंगे हाई टू मीडियम पे और 3 सीटी तक इसको हम पकाएंगे। दाल मेरी पक गई है, तो दाल को हम नीचे उतार के रख देते हैं। और यह मैं एक कढ़ाई रख रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच गरम हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी राई के दाने कुछ। राई दाने हमारे पक चुके हैं, इसमें मैं कड़ी पत्ता हरी मिर्ची मैंने बड़ा जो है 1 मिर्ची कट करके मैंने लिया और मैंने जो है यहाँ लिया है 1 प्याज बल्क कट करके इसको डाल देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा जो है अदरक कद्दूकस के लिए है उसको डाल देंगे। और मैं इसमें डालूंगी जो है 2 मीडियम साइज का टमाटर है, छोटा छोटा कट करके मैंने रखा है, तो इसको डाल दूंगी और इसको सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी। ये 10 टमाटर मेरा सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें मैं मैंने भी आपको सब्जी है तो मैंने यहाँ बैगन छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इन बैगन यूज किया है, तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। और मैंने छोटे छोटे टुकड़े जो है मैं आलू कट करके एक आलू कट करके लिया है मीडियम साइज का। और यहाँ जो है मैंने फली लिया है सहजन फली, तो इसको आप ले सकते हैं अगर ना रहे तो भी कोई बात नहीं। और आपको जो सब्जी अच्छी लगती है वो आप सांभर में डाल सकते हैं, तो मैं इसको इसमें डालते हैं। आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर
गरम मसाला, हल्दी हम थोड़ा सा ही बिल्कुल डालेंगे, एक चम्मच करीब। हल्दी कैसी दाल में पड़ी हुई है। नमक भी हमको जरा सा ही डालना है, सब्जी में जितना भून सके, क्योंकि दाल में पड़ा है तो नमक थोड़ा सा ही डालेंगे। इसमें धनिया पाउडर जो है वो भी आधी चम्मच ही डाला है। अब इसको हम मिक्स करके धीमे आंच से इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। इडली की तैयारी कर लेते हैं। हमारे इसे जो है ऐसा ही चाहिए, एकदम कड़ा जो है कलछी से गिरने लगे अपने आप, तो ऐसा ही हमको बैटर चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको इडली बैटर बनाना बताया है, तो मैंने यहाँ इडली स्टैंड ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है, तो उसमें हम इडली बैटर डालेंगे। मैंने इंस्टेंट में सब डाल दिया है, अब इसको हम मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें ऐसे रख देंगे, पानी नीचे तक ही रहे क्योंकि हमारे इडली बैटर तक ना पहुँच सके, इतना ही पानी रखना है। लगा के 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। इधर जो है हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अब इधर हमारा सारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी है, और इसमें हम दाल को डाल देंगे। दाल को डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब जो है सांभर मसाला। अब मैं इसको डाल देती हूँ, और इसको एक उबाल आने तक इसको हम ढक के पकाएंगे। बन के रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा जो है धनिया डाल देती हूँ, तो अब हमारे खाने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब गैस मैंने बंद कर दिया, मैंने बना लिया है, बन गया है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम चाकू या चम्मच की मदद से जो है किनारे से ऐसे करते हुए हम निकाल लेंगे। देखिए एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ऐसे करके मैं सारे निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करके मैंने सारे बना लिए हैं। देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है। मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से जो है जालीदार बनी है। देखिए और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए मैंने सांभर और इडली जो है, इडली भी हमारी फूली हुई है, और सांभर मेरे घर में सबको गाढ़ी पसंद है, तो मैं दिखाती हूँ। तो मैंने गाढ़ी ही बनाया है, आप हल्का भी बना सकते हो, और बिल्कुल ये टेस्टी बनी है, तो आप जो है बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बना के खाइएगा, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा कैसी बनी है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं
मैं अगले वीडियो तक मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।